हेलो फ्रेंड्स मुँ रश्मिरंजन आपको स्वागत जनावे आपर प्रिय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम को आज भिडियोटी रही है टारगेट 20,000 जूनियर टीचर निजुक्ति को लेकिन तो डिस्ट्रिक्ट मेरीट भर्से स्टेट मेरीट तो केस आज आपर आज हियरिंग सरी जापाखि अढ़ाई घंटा धरी हियरिंग जजमेंट आप रिजर्व रहा 15-20 दिन भर जजमेंट आस तो आज हियरिंग में कौन है क्या किए कौन कहार कौन मत रही कहा सपक्ष कैस रही कौन डिटेल से विषय आज हम भिडे डिस्कसन करवा तो सर्टली डिस्कसन करवा 2-3 मिनिट भितर सारे तो ये पर्यटन जो मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना सर्वप्रथम आम चैनल को सब्सक्राइब करनी सहित भिडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छे क्लिक करके आपने जॉइन करेंगे तो देखो सर्वप्रथमें आपंकर एडवोकेट जनरल तो एडवोकेट जनरल आसी जे कि मत रखी पखापाखि एक घंटा धरिकी से मत रखी आपको कही रखा चाहिए ये हियरिंग पखापाखि आज 10:50 आज हियरिंग स्टार्ट है सरला के ना गोटे 15 जितेबाला लंच ब्रेक है तो लंच ब्रेक पर्यंत आज हियरिंग चलता बुझिपाल तो एडवोकेट जनरल फास्ट आसते सी आसिक मत रखी फास्ट कौन ना जे पिटिशनर अच्छा स्पेशली जो चिंतामणि भूं पिटिशनर अच्छा कथा फास्ट डिस्कशन करते कि से पेपर वन स्टेट मेरीट भी हेनी डिस्ट्रिक्ट मेरीट भी हेनी कि पेपर टू में स्टेट मेरीट होनी कहीं कट ऑफ आपर 175 जा पेपर टू में पेपर वन 167 कट ऑफ जाटा कि आज जजमेंट रू जहाँ जना पड़ा किंतु डिस्ट्रिक्ट जदि देखिए मलकानगिरी से जो चिंतामणि भूं पकईले से 147 आपंकर कट ऑफ अनरिजर्व कथा कहूँ एसएससी 144 जाता तो जो देखिए डिस्ट्रिक्ट अनुसार 147 किंतु एटी तांकर डिस्ट्रिक्ट हेले 150 हो जाता किंतु सेटी एडवोकेट जनरल कौन कहले ना 175 कट ऑफ थिला बेले डिस्ट्रिक्ट बेले 147 पाखापाखि आपंकर 28 मार्क डिफरेन्स हो जाए तो 28 मार्क डिफरेन्स जो होमको क्वालिटी टीचर मिलेनि कहीं अधिक मार्क रखा पाने कम मार्क रखा पाने ये कथा सी एडवोकेट जनरल दर्शाई सहित से डिफरेन्ट जजमेंट कथा कही मैंने से मेरीट सपक्ष में डिफरेन्ट डिफरेन्ट जोटा कि कोर्ट अर्डर जजमेंट आसिक देते कि मेरीट को प्राधान्य देवाई प्रिफरेन्स को तापर प्राधान्य देवाई तो यही कथा देखते तापर नेक्स्ट आपंकर पमीरथ मैडम आसते से केवल रिजोल्यूशन कथ कही 8.2 को जी क्वालिफाय कर 8.3 अनुसार डिस्ट्रिक्ट आलोकेशन से बास अल्प समय बेसी नु 2-3 मिनिट्र तापर बुद्धदेव सर जो आसते सी बहुत सारा डिस्कसन करते स्पेशली मेरीट को लेकिन डिफरेन्ट डिफरेन्ट कोर्ट अर्डर देखते कि मेरीट को प्रिभिल करवाई डिस्ट्रिक्ट उपर मेरीट को रखापी जो जो सब कोर्टर जजमेंट से बहुत सारा जिनस मेरीट सपक्ष में कही आज जन भी आडभकेट आसी भी रथ सार जो सी भी बहुत सारा जिनस देखते मेरीट को लेकिन डिस्ट्रिक्ट कथ आसा ये पाखापाखि बहुत समय गलापर डिस्ट्रिक्ट को सपोर्ट करुले जो एडवोकेट जे कि समीर सार तो सीता आसी मत कौन रखी ना मत थी रिजोल्यूशन को लेकिन जेहेतु एटा डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट डिस्ट्रिक्ट कैडर सिलेक्शन 2018 जजमेंट से स्टार्ट कले 2018 जो जजमेंट आसी कि जड़े कोस्टल एरिया पिला अधिक मार्क रखते भी सी वेस्टर्न ओडिशा पाइब ना जेहेतु एटा गोटे डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट से सही जजमेंट को लेकिन आसे तापर से कौन कहले ना रिजोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप आपण मानक रोचे 8.1, 8.2, 8.3 तो 8.1 ने कौन कहले ना मास्टर लिस्ट जो पब्लीश है सर फास्ट प्रिफरेन्स डिस्ट्रिक्ट को लेकिन पब्लीश है ना जी जोटा को फास्ट प्रिफरेन्स देती किए जाजपुर देती कि कलाहांडी कि कोरापुट दे अनुसार आईलापर अनलाइन एक्जाम है अनलाइन एक्जाम जी जोटे फास्ट प्रिफरेन्स देती से अनुसार कैंडिडेट मार्क अनलाइन एक्जाम आम जाने मार्क जान सारापर से जो फास्ट रिफरेन्स को लेकिन डिस्ट्रिक्ट आलोकेशन है आपंकर 8.3 मैंने फास्ट रिफरेन्स अनुसार डिस्ट्रिक्ट व्वज हवा कथा सीता जुक्ति अनुसार देखेले डिफरेन्ट डिफरेन्ट कोर्टर अर्डर कथ सी देखेले तो जदि आज कह आज हियरिंग कौन है ना एडवोकेट जनरल प्रथम आसते सीता मंतव्य जुक्ति रखते आपरे बुद्धदेव सार स्टेट सपक्षे समीर सार तो निज निज पारू पर्यंत जी उपस्थापन करवा कथा जी मत रखा कथा सी रखिंट अढ़ई घंटार आज हियरिंग हो सारापर जजेस जे कि चीफ जस्टिस थिले तो सी आउ फर्दर डेट देना से एकाथर आपंकर जजमेंट रिजर्व रखिंट तो जजमेंट जो रिजर्व रखिंट जजमेंट आपर डिजन बेन्च रेसी लेट हुए पाखापाखि 15-20 दिन भितर आपर जजमेंट आसी जाए तो आम आशा करवा यू जल्दी भी आपर जजमेंट आसी जाऊ आउ जदि देखा केस क्या सपक्ष में आपंकर रोचे तो वर्तमान सुधा कही हेनी केस डिस्ट्रिक्ट कि स्टेट सपक्ष में रोचे केस जदि आपने देखिए
আজি তো যে শুনানি আপনার হয়েছে সেই অনুসারে বি জজমেন্ট দিয়ে দিয়ে যদি কেস কাস অপেক্ষা জাঁথ কিন্তু যে ডকুমেন্ট প্রড্যুস হয়েছে সে ডকুমেন্ট বর্তমান জজেস সব আনালিসিস করবে চিফ জষ্টিস আনালিসিস করবে ডকুমেন্ট আনালিসিস করসারা পরে সে তাঁর জজমেন্ট দেবে তো ওয়েট করা জজমেন্ট আসবা যায় 15 দিন তো এটলিস্ট আমি ওয়েট করা জজমেন্ট আসি যাও আহু জলদি আসি যাও 20K ফিল অপ হোক তা সহ আপনার নেক্সট 10,000 যে আসছে সেটা বহু জলদি আসিকি হোক কাইকি না বহু সারা পিলা ওয়েট কলে পোস্টিং নেইকি তো যা বি হচ্ছে জলদি আপনার এই রিক্রুটমেন্ট সরু তো যা বি অপডেট লা আপনার জনাই দিলে আজির হিয়ারিং বাবদে তো ওয়েট করতু 15-20 দিন ভিতরে আপনার জজমেন্ট আসবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে তো রহলি পুনে দেখা হব নেক্সট ভিডিওরে যা বি অপডেট আসবে আপনার আসবি তো যদি ভিডিওটি আপনার হেল্পফুল আছে ইনফরমেটিভ আছে ভিডিওটি লাইক করতু শেয়ার করতু এবং আমার চ্যানেল সহ জুড়ি রাখা আমার চ্যানেলটি সবসক্রাইব করতু রহলি পুনে দেখা হব নেক্সট ভিডিওরে ধন্যবাদ।